रब से है दुआ में, आखिरकार क्या हिना के खिलाफ हुई है साजिश? क्या वजह है कि हिना है घर से गायब? क्या गजल ने हिना को जो थप्पड़ मारा था उसी की वजह से ए हिना घर से गायब है? भाई इतने सवाल है कि इनके जवाब ढूंढने के लिए हमारी अगली स्टोरी तो देखनी पड़ेगी। बेटी बनके मेरे जज्बात का खून किया तुमने। पागल तो मैं थी जो दुआ को गलत समझ बैठी। तुम इस घर में रहने के काबिल नहीं हो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे सब्र का ध्यान लेना बंद कर हिना अख्तर। गजल ने हिना को एक थप्पड़ क्या मारा, उस थप्पड़ का असर हिना पर कुछ यूं हुआ कि सासू माँ घर छोड़कर ही निकल गई। कि जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ है हैदर की माँ और दुआ की सासू माँ के साथ। अब घर वालों के सामने तो उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था, लेकिन बंद कमरे के पीछे से वो कैसे गायब हो गई? अब भी इस सास के साथ साजिश हुई है तो बहू को इसका पता तो सबसे पहले चलेगा ना। सबसे पहले हीरोइन को ही एहसास होता है कि सास को कुछ हो गया है। अब क्या हुआ है वो तो ड्रामा है, बट आई थिंक उसने सबको स्ट्रेस में डाल दिया है। और अच्छा लगा है हैदर को इन अ वे के दुआ भी उतनी इज्जत करती है अम्मी की। तो दुआ यहाँ पर आई है और सबसे कह रही है कि अम्मी के साथ कुछ गलत जरूर हुआ है। हैदर की अम्मी कहीं मिल नहीं रही है। अब उसकी बात को कि कोई मानने को तैयार नहीं है, लेकिन ये बात भी सच है कि हिना गायब है। तो अब हिना गई तो गई कहाँ पे, तो मतलब होगा ना, इसे कहाँ चली जाएंगी वो। दुआ को एहसास हो रहा है कि हिना के साथ कुछ बहुत बुरा हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, और उसको बहुत टेंशन हो रही है, कुछ ज़्यादा ही टेंशन में है वो। और बाकी कोई बॉदर नहीं, क्योंकि किसी को लग रहा है कि हिना अपना गई होगी, नाराज़ होगी, जैसे नाराज़ ही होगी फॉरएवर, ऐसे इग्नोर कर रहे हैं। बट दुआ बहुत स्ट्रेस है, क्योंकि दुआ गज़ल को भी जानती है कहीं ना कहीं, और हिना को भी जानती है, तो उसको यही लग रहा है गज़ल ने हिना के साथ कुछ करना दिया हो। क्योंकि गज़ल ने पहले मुझे मारने की कोशिश की है, हमीदा जी को मारने की कोशिश की है, यानी मेरी अम्मी को, तो उसको यही लग रहा है कि वो मारना दिया अम्मी को, कुछ हो ना जाए। जहाँ तक हमारा क्या दुआ का भी यही मानना है कि ये काम किसी और ने नहीं बल्कि गज़ल ने ही किया है। अब गज़ल जानती है कि हैदर हिना को सबसे ज्यादा प्यार करता है, तो ऐसे में अगर वो हिना को अपने पास किडनैप कर लेगी तो बेटा अपने आप आ जाएगा। कुछ ऐसी ही चाल एक गजल ने रची है। दुआ विवारिड है और उसकी जो फिक्र है वो जायज है, क्योंकि जब बाद में हमें हिना मिलती है, जब रूहान आता है और हमें बताता है हिना जिगरी हुई है, यानी हैदर की अम्मी, तो वो देखते हैं तो वो पूरी खून में लथपथ है और फिर उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, तो बहुत कुछ होने वाला है, नया ड्रामा है और आपको देखने में बहुत मजा आएगा। फिलहाल अभी फिर दुआ का सिर्फ ऐसा सोचना है, जब दुआ एक्शन में आएगी ना असली मजा तो तब आएगा। फिर मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।